दोस्तों विंडो या फिर लाइनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए कितना बेनिफिट देता है और किस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या बेनिफिट है और क्या है इसके ड्रॉबैक। सो आज इसी विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेरियस टॉपिक्स। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वेरियस टॉपिक्स को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों जब भी बात आती है विंडोज की या फिर लिनक्स की जो कि है एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर ऐसे जो कि हमें देते हैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके जिसके तहत हम चला के बहुत सारी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके जो हमारे डेली रूटीन के काम हैं उनको करते हैं बहुत ही आसानी से। सो दोस्तों हम बात करते हैं कि उस वक्त से स्टार्ट करते हैं जबकि जो विंडोज़ है या फिर लिनक्स है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का अभी भी कोई भी अस्तित्व नहीं था। तब जो है अभी बात करते हैं डॉस से, तो डॉस में क्या है, जब पहले डॉस में ही सारा काम किया जाता, चाहे वो आपके कुछ भी नोटपैड वगैरह बनाने हो या कोई भी रिकॉर्ड का रखना हो तो पहले जो है डॉस का इस्तेमाल किया जाता था। डॉस के ही थ्रू फिर धीरे धीरे जो और कुछ एप्लीकेशंस आई जिसमें विंडोज़ का एक इन्वायरमेंट बनाया गया, लेकिन वहाँ पर भी जो है डॉस के ज़रिए ही आपको जो है पहले बूट करके डॉस के थ्रू ही आपको विंडोज़ तक आना पड़ता था। सो दोस्तों जब विंडो इतना परफेक्ट हो गया कि खुद ही डायरेक्टली डॉस को बाईपास करके, अभी भी डॉस जो है वो हर सिस्टम का कोर है, विंडोज़ का कोर है। जब भी हमें बात कुछ करना होता है जो चीज़ हम विंडोज़ से नहीं कर सकते हैं वो आज की डेट में भी जिनको डॉस कमांड्स वगैरह आती हैं वो आज भी विंडोज़ की उन चीज़ों को कर सकते हैं बैकएंड से, जो चीज़ें जो आप विंडोज़ के इन्वायरमेंट में जाके नहीं कर सकते। सो दोस्तों यहाँ पे जब बात आती है विंडोज़ की, सो दोस्तों विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया गया है, बंच ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसके चलते हम जो है मल्टीपल जो और एड ऑन एप्लीकेशंस जो हैं जैसे कि वर्ड, पावर, एक्सेल या फिर और कोई आपका कोई सॉफ्टवेयर है, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी आपके खुद के डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हैं या फिर इंटरनेट पे ब्राउजिंग वगैरह के लिए जो हम ब्राउजर्स जो यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी क्या अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस को जो रन करने के लिए हम तो क्या है सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एंटर करते हैं और सीधा अगर हमें इंटरनेट पे जाना है तो सीधा का सीधा क्या करते हैं ब्राउज़र खोलते हैं, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या कोई और अदर ब्राउज़र हो, तो हम उसको ओपन करते हैं और सीधा हमारा ब्राउजिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हम उसके एड्रेस बार में कुछ भी चीज़ डालते हैं उस एड्रेस में जो हमने डाला है उस डेटा को लेकर दूसरी जगह पे फैच करना और उस जगह से फिर हमारा जो रिक्वेस्ट की हुई है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ से डेटा लाके हमारी स्क्रीन पे शो करना, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है प्रोसेस लगा हुआ है। बहुत काफ़ी सारी एप्लीकेशंस काम करती हैं लेकिन जो हमें सामने हमारी स्क्रीन पे देखता है कि हमने एंटर किया और जो हमारे सामने पूरा का पूरा डेटा एक पलक झपकते ही जो हमारे सामने हाजिर हो जाता है, लेकिन उन एप्लीकेशंस को स्मूथली रन करने के लिए जो पीछे इतना बड़ा एनवायरनमेंट विंडोज़ का किया गया है, बनाया गया है, कुछ ऐसे प्रोसेस जो ऐसे बनाए गए, ऐसे टर्नल्स बनाए गए, जैसे कि एक एग्जांपल में अगर हम कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन तब तक ही सक्सेस है जब तक कि उसके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं और उनके कर्मचारी हैं या उनके डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो बराबर टाइम पे अपने ड्यूटीज़ को कम्प्लीट करें, तब तो वो कंपनी सक्सेस है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर कोई भी इनमें से एक डिपार्टमेंट फंक्शनैलिटी जो है वो बराबर नहीं होती है तो पूरी उस कंपनी के जो इमेज है या उसकी फंक्शनैलिटी पे पूरा फ़र्क आ जाता है। सेम उसी तरह अगर इन बैकएंड में चलने वाली एप्लीकेशंस में से कोई एक एप्लीकेशन भी बराबर काम नहीं करती है तो हमें हमारे स्क्रीन पे रिजल्ट नहीं, एरर मैसेज वगैरह जो है वो आने लग जाते हैं। अब यहाँ पे विंडोज़ के अंदर जब विंडोज़ डेवलप किया गया तो उसके लिए हमें चाहिए लाइसेंस, और लाइसेंस वगैरह लेने के लिए हमें लगती है कॉस्ट,
और ये जो कॉस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, काफ़ी महंगी है। इस कॉस्ट के लिए हर एप्लीकेशन के लिए हमें एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके हम जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे तो जो चाहते थे कि हम इन सब चीज़ों से फ्री रहें। तो जो थॉट, एक ऐसा प्रोसेस जो चालू हुआ कि हम इसमें पैसा लाइसेंस डाल के क्यों करें, हम क्यों एक अलग से इन्वायरमेंट क्यों नहीं क्रिएट करें, तो वहाँ से जो है कुछ लोगों की जब सोच मिली तो वहाँ से एक से बढ़ एक हुआ डेवलपर, उसने स्टार्ट किया काम, फिर उसके साथ बनते बनते पूरी एक टीम बन गई जिन्होंने मिलकर जो है एक लाइनक्स जो है सॉफ्टवेयर को पूरा, और वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा एक एनवायरनमेंट है जहाँ जिसके तहत बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो रन करती हैं। अब वो चाहते हैं, उन्होंने ये थॉट लेके बनाया है लाइनक्स को कि वहाँ पर आप जिस भी एप्लीकेशन को जैसा भी काम करवाना चाहते हो आपके पास ओपन है, तो इसलिए जो लाइनक्स है वो एक ओपन ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। सो यहाँ पे जो है लाइनक्स का इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है, बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लाइनक्स पे ही काम करना पसंद करते हैं, लेकिन लाइनक्स और विंडोज़ के बीच की जो एक लिमिटेशंस हैं वो आके रुक जाती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो आज की डेट में जो एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं वो हैं विंडो बेस, जो कि लाइनक्स पे सपोर्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो है लाइनक्स भी अपने उसी प्लेटफॉर्म को, जैसे कि उन्होंने अभी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट दे दिया है, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी दे दी हैं जो कि आपकी इन विंडोज़ में एप्लीकेशन जो चल रही हैं उस पे जो आपने फाइलें काम किया हुआ वही एप्लीकेशंस को आप वहां पर भी ओपन करके उनमें काम एडिट वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं विंडोज़ के, क्या बेनिफिट्स हैं लाइनक्स के, क्या ड्रॉबैक्स हैं विंडोज़ के, क्या ड्रॉबैक्स हैं लाइनक्स के। पहले हम बात करते हैं विंडोज़ की, कि विंडोज़ के बेनिफिट क्या हैं। तो विंडोज़ के बेनिफिट ये हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं विंडोज़ एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। आपके पास जो एनवायरनमेंट है काम करने का, वो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं, एज वेल एज बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं काम करने के लिए, बहुत इजीली आप लोग उसको यूज़र जो है वो समझ सकता है। ये तो हुए इसके बेनिफिट। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स के। ड्रॉबैक्स इसमें ये हैं कि हमें कोई भी एप्लीकेशंस लेनी हो तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर हम लाइसेंस नहीं लेते हैं तो वो एप्लीकेशन एक ट्रायल वर्जन की तरह कुछ देर चलती है, उसके बाद फिर हमें या तो हमें उसके लिए लाइसेंस लेना पड़े उसका फुल यूज़ करना है, या फिर ये कुछ एप्लीकेशंस जो हैं ट्रायल वर्जन में तो आपको फुल यूज़ दे करने देती हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपको लिमिटेड वर्जन जो उसके फीचर्स हैं वही यूज़ करने मिलते हैं, या फिर जितना भी आप काम करते हो उसमें अपना एक बेंचमार्क जो है, एक वाटरमार्क जो है वो उसमें एम्पोज कर देते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है विंडोज़ में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस जो है विंडो को रिप्रेजेंट करती हैं, तो यहाँ पे हर कोई अपना पैसा कमाने के लिए के एप्लीकेशन जो बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो विंडोज़ को ही ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं लाइनक्स के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की। तो लाइनक्स के अंदर बेनिफिट ये हैं कि आपको बहुत सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो, कुछ हटके जो आप करना चाहते हो, आपकी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ नए टूल्स जो है बहुत इजीली डेवलप कर देते हो, तो आपको आपका एनवायरनमेंट या कोई एप्लीकेशन जो डिज़ाइन करने के लिए जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहाँ पे आपको बहुत सारे जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल मिल जाते हैं, और इसका कोई भी हमें लाइसेंस फ़ी वगैरह नहीं पे करना है, कम्प्लीटली फ्री है। तो ये तो हैं हमारे लाइनक्स के बेनिफिट्स। और हाँ, एक और बेनिफिट है लाइनक्स का कि वो आपके बहुत सारे जो पुराने सिस्टम्स भी हैं उन पे भी बहुत आसानी से, बहुत फास्ट जो है वो आज की डेट में भी काम कर लेता है। अब ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक ये हैं कि
क्योंकि आज की डेट में जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं, यूज़र उनको जो काम करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो फीचर्स चाहिए, वो आपको जो है विंडोज़ में मिलते हैं, वो सारे के सारे फीचर जो हैं आपको लिनक्स में अवेलेबल नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से लिनक्स जो है वो सभी लोग जो है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और अभी तक बहुत सारे फीचर्स हैं लिनक्स के अंदर कंपेयर टू विंडोज़ जो अवेलेबल नहीं भी हैं। तो अब बात करते हैं कि अब चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, लिनक्स हो या फिर आपका विंडोज़ हो, तो यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ में काम कराने के लिए जो मीडिएटर का काम करता है वो काम करता है कर्नल। तो कर्नल एक ऐसा मीडिएटर है जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों की आपस में कम्युनिकेशन को पूरा प्रॉपर तरीके से चलाता है। जैसे ही हमें कुछ भी, जैसे सपोज कर लीजिए कोई वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, तो हमने सॉफ्टवेयर में एक फीचर बनाया है, उसमें जो पैरामीटर हम जब चेंज करते हैं तो जो कर्नल है वो कमांड को, सॉफ्टवेयर जो है वो कमांड देता है कर्नल को, कर्नल उससे कमांड जो लेके हार्डवेयर को पास ऑन करता है कि ये जो स्पीकर्स हैं उनकी वॉल्यूम बढ़ाई या कम करी जाए, या फिर हम कोई भी एक्स वाई जेड जो भी हम सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं, तो उसका जो सीपीयू का जो यूजेज है वो जो तब पता चलता है जब आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बराबर इजीली एक दूसरे से मिल के काम करें, उनका आपस में बराबर तालमेल बैठा हो, तब जाके जो हमें हमारे सीपीयू का यूज़ जो है वो पता चल पाता है। फिर चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, सभी को चलाने के लिए जो है लिनक्स हो या विंडोज़ हो, कर्नल जो है वो एक मीडिएटर है जिसका बिना जो है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो काम नहीं कर सकता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, लिनक्स हो, विंडोज़ हो, कोई भी हो। सो दोस्तों, ये जो दोनों के बीच में मैंने जो डिफरेंस बताया है वो आज इसलिए बताया है क्योंकि कल जो मैं आपको लिनक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लिनक्स जो है हमारे जितनी भी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं वो होस्टिंग सर्वर्स जो हैं मैक्सिमम लिनक्स पे क्यों होते हैं, और लिनक्स में होस्टिंग सर्वर हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों बनाए जाते हैं, और विंडोज़ में अगर होस्टिंग सर्वर्स हैं तो उनमें कॉस्ट क्यों ज़्यादा होती है, और किस क्या ड्रॉबैक्स हैं विंडोज़ के और क्या बेनिफिट्स हैं लिनक्स के, तो कल के वीडियो में हम जो है इसके विषय में बात करेंगे। तो ये मैं जो वीडियो बनाया इसमें मैं ये आप लोगों को क्लियर करना चाहता था कि विंडोज़ और लिनक्स में क्या डिफरेंस है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल जो वीडियोस हैं वो लेके आता रहता हूँ। और इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।